नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक हिलर में। आज मैं बात करने वाला हूँ रूचक योग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये पंच महापुरुष योग में से एक है रूचक योग। रूचक योग की वजह से हाथ में कौन कौन सी रेखाएं बनती हैं, इस विषय में आज मैं बात करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज 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 सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। रूचक योग के बारे में बताने से पहले मैं ये बता दूं, रूचक योग जो होता है, अगर कुंडली में मंगल उच्च का हो, यानी मंगल मकर राशि में उच्च का होता है और वृश्चिक राशि और मेष राशि उनका स्वगृह है, जिसमें मेष है मूल त्रिकोण और मंगल जो है कर्क राशि में नीच के होते हैं, तो जिनका मंगल मेष राशि में हो, वृश्चिक राशि में हो और मकर राशि में हो, तो ऐसे लोगों का रूचक योग बनता है। तो रूचक योग जो है आपकी हथेली में, मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से बनता है। पहले मैं बता दूं कि हाथ में जो मंगल का स्थान कहां पे होता है। मंगल का स्थान होता है एक, इसे कहते हैं अंदरूनी मंगल और इसे कहते हैं बाह्य मंगल। यह दोस्तों मतलब इन मंगल के, मंगल जो है हाथ में दो जगह पे होने के कारण ये है, ये जो अंदर का ये जो मंगल है, ये पोर्शन जो है इसको हम अंदरूनी मंगल इसलिए कहते हैं क्योंकि मंगल जो है हमारे शरीर में जो खून होता है उसका द्योतक है। मतलब हमारे खून के ऊपर मंगल का ही प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। तो जिनका इनर मंगल मतलब अंदरूनी मंगल जितना स्ट्रांग रहेगा, उनका इम्यून सिस्टम भी उतना ही स्ट्रांग रहेगा, उन्हें जल्दी कोई रोग नहीं पकड़ सकते या वो कभी रोगग्रस्त नहीं हो सकते। अगर होते भी हैं तो बहुत जल्दी ही रिकवर कर जाते हैं। अगर इनर मंगल अच्छा नहीं हो, डिस्टर्ब हो या अंदर किसी भी तरह का द्वीप बनता हो या क्रॉस हो, तो ऐसी अवस्था में जो है ये बना है द्वीप, इस तरह का कोई भी निशान इनर मंगल के अंदर हो, तो ऐसी अवस्था में जो है इंसान रोगग्रस्त होता है, किसी ना किसी रोग से वो ग्रस्त होता ही है। जैसे किसी किसी का इम्यून सिस्टम बहुत कम होता है, जैसे सांस की तकलीफ, जीवाणु और विषाणुओं से लड़ने की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत कमजोर होती है। तो आप अपने हाथ में देखिए कि आपके इनर मंगल में कितने क्रॉस हैं या बिल्कुल साफ है, इससे बिल्कुल पता चल जाएगा कि आप अंदर से कितने स्ट्रांग हैं। और ये बाह्य मंगल जो है, ये बाह्य मंगल जो है आपके अपीयरेंस को दिखाता है, मतलब आप दिखने में कितने पराक्रमी हैं, आप दिखने में कितने प्रभावशाली हैं। मतलब आप जब किसी के सामने खड़े होकर बात करते हैं तो क्या आप अगले इंसान को जो आपके सामने खड़ा है उसको प्रभावित कर सकते हैं। तो आपके हाथ में अगर बाह्य मंगल काफी बलिष्ठ हो, ऊंचा हो और गुलाबीपन लिए हो, तो ऐसी अवस्था में जो है इंसान काफी पराक्रमी होता है। वो जिस जगह पे खड़े होकर बात करे, लोग उसकी बात सुनने में बिल्कुल मग्न हो जाते हैं। ऐसे लोगों का अपीयरेंस, ऐसे लोगों की वॉइस क्वालिटी बहुत प्रभावी होती है, ये दूसरों को बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रेस करते हैं। ऐसे लोग मार्केटिंग में, ऐसे लोग सेल्स में बहुत ज्यादा इनकम करते हैं दोस्तों। तो जिनका मंगल जितना स्ट्रांग होगा, वो सेल्स, मार्केटिंग, आर्मी, जर्नलिज्म, रियल एस्टेट का बिजनेस, इन सब वस्तुओं में ऐसे लोग बहुत बहुत सारा पैसा, बहुत सारा नाम, यश कीर्ति कमाते हैं दोस्तों। अब मैं रेखा की बात करूं, जैसे नॉर्मली हमारे हाथ में ये चार रेखाएं तो होती हैं, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा और भाग्य रेखा। तो मंगल में आप देखिए, अगर आपके हाथ में जो मस्तिष्क रेखा है वो अंदर के मंगल से निकलते हुए बाह्य मंगल की ओर बिल्कुल सीधी जाए, तो ऐसी अवस्था में जो है इंसान काफी स्ट्रांग होता है, उनका इम्यून सिस्टम काफी स्ट्रांग होता है, ऐसे लोग काफी प्रभावी होते हैं और बहुत ही तेज दिमाग वाले होते हैं, क्योंकि मस्तिष्क रेखा इनकी बिल्कुल सीधी होती है और इनका जो ब्रेन है
बिना लॉजिक के कुछ नहीं समझता और ये किसी भी परिस्थिति को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, किसी भी परिस्थिति में बहुत जल्दी ढल जाते हैं। तो आप अपने हाथ में देखिए कि आपके हाथ में ऐसे निशान बनते हैं कि। और एक चीज मैं बताना चाहता हूं, जैसे कि सिमंस लाइन होता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा जब मिलकर एक ही लाइन बनाती हो तो ऐसी अवस्था में इसे हम सीमेंस लाइन बोलते हैं। तो अक्सर मैंने देखा है कि जिनका रोचक योग है कुंडली में उच्च के मंगल या स्वगृह मंगल या मूल त्रिकोण में मंगल स्थित है, उनके हाथ में ये सीमेंस लाइन होता ही है, मतलब हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा में काफी अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। इसका मतलब ये रहता है कि ऐसे व्यक्ति दिमाग से और दिल से दोनों को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस तरीके से सोच सकते हैं और अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये था छोटा सा एक तथ्य रोचक योग के बारे में जिसमें मंगल उच्च के होते हैं। आज मैं लेने वाला हूं एक डेट ऑफ बर्थ। तो दोस्तों, ये है एक मेरे सब्सक्राइबर की कुंडली। ये कुंडली बनाने के लिए जो डिटेल मुझे मिली है वो डिटेल है 21/8/1988, मतलब 21 का दिन 8वां महीना 1988 का, रात को 12:05 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। अब यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, इनका लग्न जो है वृषभ लग्न और वृश्चिक राशि हो रहा है। लग्न में गुरु विराजमान है, लग्नेश द्वितीय भाव में विराजमान है, तीसरा भाव जो है वो खाली है, कोई ग्रह नहीं है, चौथा भाव रवि बुध और केतु। तो रवि बुध का बुधादित्य योग चौथे भाव में है, साथ में केतु भी विराजमान है, पंचम भाव खाली है, छठे भाव में रुद्र विराजमान है, इसको भी हम लोग खाली ही पकड़ेंगे, सप्तम भाव में चंद्र विराजमान है, अष्टम भाव में शनि विराजमान है, नवम भाव में कुछ नहीं है, दशम भाव में राहु विराजमान है, एकादश में मंगल विराजमान है और द्वादश खाली है। तो लग्न में गुरु है और सप्तम भाव में चंद्र है, मतलब ये एक बहुत अच्छा योग का निर्माण हो रहा है जिसको कहते हैं गज केसरी योग। जी हाँ दोस्तों, इसे कहते हैं गज केसरी, गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है दोस्तों। तो गज केसरी योग जब इंसान के कुंडली में बनता है तो ऐसा योग इंसान को काफी ख्याति देता है, नाम देता है। लेकिन चौथे भाव में रवि बुध का बुधादित्य योग काफी स्ट्रांग और बलिष्ठ बना हुआ है, साथ में केतु ने आकर थोड़ा सा काम बिगाड़ दिया। तो आपको ये करना है कि केतु का उपाय कीजिए जिससे केतु का जो दुष्प्रभाव है उससे थोड़ा सा निजात मिले। तो अगर आप किसी भी तरह के रियल स्टेट या उस तरह के जॉब के लिए आप सोच रहे हैं या फिर किसी तरह का सरकारी नौकरी के बारे में सोच रहे हैं तो अवश्य ही सरकारी नौकरी के लिए तैयारियां कीजिए। सरकारी नौकरी का एक योग आपका जरूर बन रहा है यहाँ पर, लेकिन उससे पहले आपको केतु का उपाय करना बहुत जरूरी है। केतु के वजह से ही आपका जो है ये सरकारी नौकरी का योग जो है उसमें बाधा हो रही है। और चंद्र एक जगह से, जहां पर चंद्र के ऊपर गुरु की दृष्टि बनी हुई है तो चंद्र काफी अच्छा है। हालांकि चंद्र नीच का होता है सप्तम भाव में, मतलब सप्तम भाव जो है वो वृश्चिक राशि का है, वृश्चिक राशि में चंद्र नीच का होता है, लेकिन यहाँ पे गुरु की दृष्टि होने की वजह से उनके नीचता में थोड़ी सी कमी आई है। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है एक रत्न धारण कीजिए, वो रत्न है नीलम। नीलम धारण कीजिए, एक शुक्र रत्न हीरा धारण कीजिए, अगर हीरा नहीं धारण कर सकते हैं तो कम से कम उप रत्न जो है जिरकॉन या सफेद पुखराज भी धारण कर सकते हैं। और एक रत्न है जो सूर्य का रत्न है जिसे माणिक कहते हैं, रूबी कहते हैं अंग्रेजी में, रूबी धारण कर सकते हैं। तो मेनली जो है आपको ये तीन रत्न धारण करना है, नीलम, शुक्र रत्न हीरा या जिरकॉन,
या सफेद पुखराज, और रवि का रत्न माणिक यानी रूबी, और बाएं हाथ में आपको धारण करना है केतु का रत्न कैट्स आई। जी हां दोस्तों, लहसुनिया को आपको बाएं उंगली में धारण करना है और नीलम हीरा और रूबी जो है उसको दाएं उंगली में धारण कर सकते हैं। तो अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको जरूर जरूर ही अच्छा और शुभ फल मिलेगा। और एक चीज मैं यहां पर ऐड करना चाहता हूं कि सप्तमेश जो है वो एकादश भाव में विराजमान है, तो आपका जो है विवाह के बाद किस्मत बहुत बहुत चमकने वाली है, क्योंकि सप्तमेश जब एकादश भाव में बैठते हैं तो शादी के बाद विवाह के बाद बहुत सारा धन मिलता है, चाहे वो पत्नी के साइड से हो या आप खुद विवाह के बाद जो है आपको कोई अच्छी जॉब लगे, तो यह योग भी आपको विवाह के उपरांत काफी सारा पैसा, लाइफ में स्टेबिलिटी और उन्नति देने वाला है। तो अभी जो आपकी दशा चल रही है वो देख लेते हैं, विंशोत्तरी दशा क्या चल रही है। अभी जो आपकी विंशोत्तरी दशा चल रही है वो है बुध की महादशा और साथ में गुरु की अंतरदशा। हमारे इस सब्सक्राइबर का या तो 2016-21-6 के बाद से लेकर 10-10-2016 के बीच में इस दौरान इनका विवाह हो चुका है और विवाह के उपरांत इनको काफी अच्छा पैसा मिला हुआ है, और वर्तमान में जो उनकी प्रति अंतर दशा चल रही है वो है बुध की। तो बुध की प्रति अंतर दशा चलने की वजह से अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं तो जरूर कोशिश कीजिए, एग्जाम दे रहे हैं तो एग्जाम दीजिए, क्योंकि इसका फल जो आपको मिलेगा वो 18-12-2017 से लेकर चंद्र की दशा 29-1-2018 के बीच में, मतलब दिसंबर के महीने में उसका रिजल्ट निकलेगा और वहां पर आपको सरकारी नौकरी होने के बहुत स्ट्रांग चांसेस दिख रहे हैं। तो कोशिश करते रहिए, आपको जरूर और जरूर काम मिलेगा, क्योंकि आपके दशम भाव में जो है वो राहु विराजमान है। तो दशम भाव में जब राहु विराजमान होते हैं तो इंसान को काफी कर्मठ बनाते हैं और काम की जगह पे, मतलब अपने कर्म स्थली में बहुत अच्छा डोमिनेशन बना रहता है, लोग इनसे डरते हैं और इनकी बात सुनते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं बहुत बड़े मास को अपने अंडर में बहुत सारे लोगों को काम करवा सकते हैं, उनके मैन पावर को सही से यूज करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये था छोटा सा एक तथ्य। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज 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 शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, ताकि दूसरे भी इसका फायदा उठा सके। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।